एक मुख्य सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बात कर रही है जातीय जनगणना की, जिस समय बिहार में भी जातीय जनगणना देखने को मिला, तो ये एक चुनावी एजेंडा है या फिर जो है जातीय जनगणना से जो है आम जनता को फायदा होगा, और आपकी सरकार जो है जातीय जनगणना पर क्या राय रखती है? क्या जातीय जनगणना अपना स्थान पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास पे विश्वास करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद का राजनीतिक नहीं किया है, हर समाज के लोगों का विकास करने का काम किया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका विकास हमारे पार्टी का और हमारे सरकार ने काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पे विश्वास नहीं रखती है, सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विश्वास पे विश्वास रखती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी समूह का विकास करना चाहता है, किसी एक जाति को लेकर किसी एक जाति समूह को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कभी राजनीतिक नहीं किया है। दादा, जो छात्र है झारखंड के छात्र है वो त्रस्त है युवा नियुक्ति के लिए, और एक तबके के स्टूडेंट जो है 1932 खतियान की बात कर रहे हैं, जो 60-40 नियोजन नीति है मौजूदा उसकी बात कर रहे हैं, इस पर आपकी सरकार यदि बनती है 2024 में तो 1932 खतियान को लेकर क्या रहेगा और 60-40 नियोजन नीति को लेकर क्या रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से हमारा सरकार, इसका पूर्व जो सरकार हमारा रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा था, वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाया था, कई युवाओं को, यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार मिला था, उन रोजगारों से भी हमारे इस वर्तमान की सरकार को आपका स्थापित होने के बाद सारा योजना आपका रोजगार से भी लोगों को वंचित कर दिया गया है। जहाँ तक 60-40 का बात है, 60-40 निश्चित रूप से हमारे यहाँ के स्थानीय, हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासी है, हमारे यहाँ के लोगों को उसका जो सबसे ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए, और जहाँ तक अब ISIPS का जहाँ JPSC का बात है तो निश्चित रूप से कॉम्पिटिशन होगा, मेरिट में जो आएगा उसको रोजगार मिले, उसको नौकरी मिलेगा। तो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का जहाँ तक नियुक्ति के बाद है तो हमारा यहाँ का आदिवासी मूलवासी को उसका पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो 60-40 नियोजन नीति का अभी विरोध करती है आपकी पार्टी? तो 60-40 का किस आधार पे, बाकी अन्य राज्य में जो नियोजन नीति बना उसके आधार पर उसको फॉलो कीजिए, उसको फॉलो करके इस राज्य में लागू करने का काम करें। तो सरकार बनते ही आप लोग लागू करेंगे? निश्चित रूप से हमारा सरकार बनेगा तो निश्चित से हमारे झारखंड के युवाओं के हित में हमारी योजना बनेगा, नियोजन नीति बनेगा, स्थानीय नीति में वो बनेगा, और यहाँ के स्थानीय युवाओं को उसका रोजगार मिलेगा। अगर 1932 खतियान की जिक्र होती है तो कई सारे जाति जो है यहाँ पे हैं जो 2000 की नीति के मांग करें कि 2000 से पहले तो ये बिहार था और उस समय हमारी जन्म हुई थी, तो हमारी कहाँ गलती रहेगी कि 1932 खतियान हमारा नहीं है तो फिर आज हम रेफ्यूजी हो जाएंगे, तो फिर आपकी सरकार ये जो बाकी जातियाँ उन्हें किस तरह का लाभ? देखिए, हमारा सरकार किसी को भी हमारा यहाँ से जातिवाद का राजनीति कभी किया नहीं है, और जहाँ तक 1932 का बात है, 1932 का वो आपका को लागू करने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने आपका जनता के बीच जो वादा किया था, कैबिनेट के अंदर भी बोला था कि हम 1932 किसी सूरत में हम लागू नहीं कर सकते हैं, तो ये बताया कि 1932 का खतियान का आधार पर कब नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनाएगा, हमने तो कभी 1932 का खतियान का हमने हवाला दिया नहीं है, हमारा पार्टी कभी जनता को कभी गुमराह करने का प्रयास नहीं किया कि हम हमारा सरकार बनेगा, हम सत्ता में आएंगे तो 1932 का खतियान लागू करेंगे, ये तो हेमंत सोरेन जी का ये जो मैनिफेस्टो में था, ये हेमंत सोरेन और आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के लोग बताएंगे 1932 का खतियान आपने जनता को कभी वादा किया था, उस वादा का अनुरूप आपने क्यों नहीं लागू कर रहा है, वो बताया कि 1932 का आप लागू कर रहे हैं, उनका लागू कर, हम भी उसका सम्मान करते हैं। 2024 में आपकी सरकार बनती है तो फिर मुख्य जो है झारखंड के लिए क्या रहेगा? देखिए, मुख्य एजेंडा हमारे ऊपर का हमारा केंद्र कमेटी इसका निर्णय करता है, प्रदेश से इसका निर्णय करता है, जो भी हमारा चुनावी एजेंडा होगा, और हम लोग से जो हमारा स्थानीय स्तर पर हम लोग से एजेंडा लिया जाता है सारा, आपको पूरा राज्य का हर विभिन्न प्रखंड, विभिन्न जिला, विभिन्न विधानसभा में अलग अलग चुनावी एजेंडा रहता है, वहाँ का स्थानीय मुद्दा अलग अलग रहता है, उस मुद्दा के आधार पर हमारा चुनावी एजेंडा बनता है, जब चुनाव के समय हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, जो हमारा मैनिफेस्टो जो तय होगा उस पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर निश्चित उसको लागू करेगा। जब केंद्र की बात करें तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की जो है बात मुख्यतः वो सरकार पर हमलावर इस बात को लेकर है कि जो है मोदी राज में बीते 9 सालों में जो है महंगाई और बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है, इसको लेकर आप क्या? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, इससे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, महंगाई बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, हमने तो हेमंत सोरेन जी को विधानसभा में कहा कि भाई क्यों आप पुलिस को इस गलत काम में लगा रहे हैं,
पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, बदमाशों को पकड़ना, आपको शरीफों को तंग कर रहे हो। ऐसा कोई बात नहीं, आप चाहते हो कि बालों की तस्करी होती तो बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट और अग्रसित हो रहा है। बिहार की बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगा, यूपी की बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगा देगा अगर वहाँ आपके पास सिपाही कम पड़ेंगे। करने में हमारा मोदी जी अहम भूमिका निभा रहा। आज विश्व के लोग भी आज इस इंडिया को सलूट करते हैं, इससे बड़ा गर्व और क्या होना चाहिए हम लोग के लिए। जब भी सरकार से सवाल की जाती है कि बीते 4 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है जेएमएम की सरकार के दौरान, तो एक ही चीज़ों का हवाला दिया जाता है कि 2 साल तो कोरोना के समय बीत गया जिस समय हम कुछ नहीं कर पाए। कोरोना काल में भी सरकार क्या किया? कुछ नहीं किया। कोरोना काल में हमारे केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार ने का हजारों करोड़ रुपये इस राज्य को आपका फंडिंग करने का व्यवस्था किया था, उस पैसा को भी सरकार आपका यूज नहीं कर पाया, सारा पैसा रिटर्न चले गया। कोरोना काल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कोरोना काल में सरकार ने कहाँ कुछ किया है? जो भी किया हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना सुखा राहत के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से एक एक परिवार तक जाके लोगों को सूखा राशन के साथ साथ भोजन उपलब्ध कराने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, इनका एक भी कार्यकर्ता कोरोना काल में किसी भी जगह सेवा भावना का नज़र से कहीं भी देखने को नहीं मिला है। जहाँ भी हमारा आपका सेवा भाव का अवस्था पर, जहाँ भी हमारा वो आपका जन समस्याओं को समाधान करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिखाया जा रहा था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कोरोना काल में अपना जान को जोखिम में डाल के लोगों को सेवा करने का काम किया है।